तो इसीलिए ना दोस्तों यहाँ ऐसी वाइब आ रही है कि बिल्कुल हम पता नहीं कहाँ आ गए, मतलब कितनी दूर आ गए। और यहाँ देखो भाई दूल्हे राजा जी लगे हुए हैं सुबह सुबह देखो पूरियां बनाने पे। बाकी यहाँ देखिए भाई दोस्तों पंडित जी भी लग गए हैं बढ़िया से विधि की तैयारी करने पे। तो फेरे वगैरह की सारी रस्में दोस्तों आज होगी और यहाँ पे होगी। और यहाँ के गाँव ना दोस्तों सारे गाँव जितने भी है ना बहुत बड़े बड़े गाँव है। और ये पहाड़ देखो भाई दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों खड़े से पहाड़ होते हैं, यहाँ थोड़ा सोए सोए से पहाड़ है और क्या मस्त सा नजारा। क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज ना बिल्कुल अलग है भाई हमारे तरफ से, मतलब हमारे यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। और जितने भी दोस्तों मेहमान लोग थे वो भी सारे के सारे अब देखो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। सिलेंडर को भी गर्म पानी में रखना पड़ रहा है, उसके बाद पूरियां बन रही है। तो चलो भाई दोस्तों अभी बढ़िया से अपनी तैयारी हो गई है घर निकलने की। और तो चलो भाई दोस्तों अभी पहुंच गए ठीक त्रिपाली सैंड मार्केट में। और कल भी ये है देखो भाई दोस्तों पहाड़ों का स्ट्रगल। दोस्तों यहाँ लोग ऐसे ही भाड़ा लेके चलते हैं और जो ये टोकरी टाइप का आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं बल घीड़ो। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों यहाँ भी किसी ने जंगल में भयंकर वाली आग लगा दी और कितना भयंकर धुआं उठ रहा है। तो ये तल्ला ईड़ा है और यहाँ से ऊपर ये मल्ला ईड़ा है। तो चलिए जी दोस्तों आज की प्यारी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है ठीक ईड़ा गांव में। और कल रात को यहाँ पहुंच गए थे यानी बारात में गए थे बढ़िया करके। आपने ब्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके अभी भी देख लो क्योंकि आपको काफी मजा आएगा उस ब्लॉग में भी। क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज ना बिल्कुल अलग है भाई हमारे तरफ से, मतलब हमारे यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। तो मतलब पहाड़ी शादी में भी कुछ अलग अलग, मतलब हमारे यहाँ पहाड़ी शादी होती है वो अलग और यहाँ की पहाड़ी शादी अलग। तो बाकी दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस प्यारे से गांव और बड़े से गांव ईड़ा गांव से। बाकी दोस्तों इस गांव को मैंने बड़ा गांव इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको ज्यादा टाइम बताता हूं कि ये कितना बड़ा गांव है क्योंकि मैंने वो दो वीडियो में कहीं भी कवर नहीं किया था। तो चलिए जी दोस्तों चलते हैं नीचे और नाश्ता वगैरह करते हैं। बाकी हम ऊपर आ गए थे फिर से मैं वीडियो की स्टार्टिंग करने ऊपर आ गया था गौशाला साइड क्योंकि नीचे बहुत शोर शराबा, तो इसलिए मैंने कहा एकांत में चलते हैं वहाँ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले नाश्ता वगैरह करते हैं और आज की हमारी तैयारी होगी दोस्तों यहाँ से सीधा अपने गाँव की तरफ। बाकी ना दोस्तों यहाँ के रीति रिवाज जो मैंने आपको कल की वाली वीडियो में बताए थे कि वहाँ दोस्तों बिल्कुल फेरे वगैरह होते ही नहीं है, तो आज चलेंगे यहाँ फेरे वगैरह यानी दूल्हे के घर पे आप फेरे वगैरह होंगे। जो काम दुल्हन के घर पे होते हैं वो आज दूल्हे के घर पे होंगे। दोस्तों यहाँ से चेक करो भाई दोस्तों ये पूरा जंगल जो है ना दोस्तों बिल्कुल बांस के पेड़ों से भरा हुआ है और इतना घना है ना, ये देखो कितना घना जंगल है भाई। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों सुबह सुबह नाश्ता बनने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, तो बढ़िया से पूरी वगैरह बन रही है। और यहाँ देखो भाई दूल्हे राजा जी लगे हुए हैं सुबह सुबह देखो पूरियां बनाने पे। और इधर से दूल्हे राजा के छोटे भाई और उधर से हमारे सौरभ भाई बढ़िया से बेलने पे लगे हुए हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ देखो भाई सिलेंडर को कहाँ रखा हुआ है, गर्म पानी में रखा हुआ है जिससे कि ये थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर पाए सिलेंडर को। यहाँ इतनी ठंड है इससे आप लगा सकते हो यहाँ कितनी ठंड होगी। ये सिलेंडर को भी गर्म पानी में रखना पड़ रहा है, उसके बाद पूरियाँ बन रही है, तो इस चीज़ से आप लगा सकते हो कि यहाँ कितनी ठंड होगी। दोस्तों अभी नाश्ते का टाइम हो गया है और अभी कर रहे हैं हम बढ़िया से नाश्ता। बाकी घी मिल गई, पूरियां हैं और एक रोटी भी है, तो रोटी का भी हमने बाटे बाटे कर दिए क्योंकि रोटी मिलना जरा सुबह जरा मुश्किल था, तो रोटी के बाटे हो गए यानी थोड़ा 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 सबको दे दिया। तो चलो भाई दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह भी हो गया है बढ़िया करके और सबकी तैयारी हो गई। देखो अब निकलने की हमारी, तो हमारे सारे भाई लोग और बंटी भाई तो चलते चलते ही तैयार हो रहे हैं। बाकी यहाँ देखिए भाई दोस्तों पंडित जी भी लग गए हैं बढ़िया से विधि की तैयारी करने पे। तो फेरे वगैरह की सारी रस्में दोस्तों आज होगी और यहाँ पे होगी, तो पंडित जी भी बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं तब, मिलते हैं, बाय बाय। तो चलो भाई दोस्तों अभी बढ़िया से अपनी तैयारी हो गई है घर निकलने की और बढ़िया से टीका फटाई भी हो गई हमारी, कलियों भी मिल गया। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और बढ़िया था यहाँ का सफर भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़िया था यहाँ का सफर भी। इसने टकूर जो ना वो बोल दे के चीन
अरे मोल ना यो जो टकुर घ्यूड़ घ्यूड़ू अच्छा घ्यूड़ू। बाकी दोस्तों यहाँ लोग ऐसे ही भाड़ा लेके चलते हैं और जो ये टोकरी टाइप का आप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं बल घ्यूड़ू। तो अभी मैंने इनको पूछा बोलते हैं घ्यूड़ू और हमारे यहाँ तो द्वारा बोल सकते हैं द्वारा टाइप का ही होगा। तो चलिए जी दोस्तों अभी आ गया हूँ नीचे और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों ये ईड़ा गांव और इतना बड़ा गांव है देखो भाई दोस्तों। और ये ऊपर साइड के लिए दोस्तों अलग है, सड़क से नीचे देखो भाई दोस्तों ये अलग है और इतना बड़ा गांव है देखो भाई दोस्तों। यहाँ से तो शुरुआत है, नीचे को देखो भाई दोस्तों इतना बड़ा गाँव है पूरा का पूरा देखो भाई। तो इतना बड़ा ये गाँव है, तो ये तल्ला ईड़ा है और यहाँ से ऊपर ये मल्ला ईड़ा है। बाकी यहाँ तो दोस्तों अब शादी भी शायद 4-5 दिन ही चलेगी क्योंकि आज होंगे सारे काम जो भी थे फेरे वगैरह के, तो वो तो आज होंगे। हम तो नहीं रुक पाएंगे क्योंकि सबको अपने अपने काम है, तो इसलिए सबने निकलना है अपने अपने घरों के लिए, तो इसलिए हम भी नहीं रुक सकते। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और आज का सफ़र अब हमारा रहने वाला है दोस्तों ठीक यहाँ से कम 110 किलोमीटर पूरा घर तक। बाकी दोस्तों जो ईड़ा गाँव है ना वो दोस्तों थैलीसैंड से कम 40-45 किलोमीटर दूर है, यानी 40-45 किलोमीटर दूर हम आ रखे हैं। और बाकी दोस्तों ये वाला गांव भी ना थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है और अभी निकलना है दोस्तों हमें मजरा महादेव और तिरपालीसैंड मार्केट होते हुए। बाकी दोस्तों यहां से जो ये पूरी वैली क्या दिखती है इसमें काफी सारे गांव देखने को मिलते हैं, पूरे के पूरे दोस्तों गांव ही गांव भर रखे हैं। और यहाँ के गाँव ना दोस्तों सारे गाँव जितने भी है ना बहुत बड़े बड़े गाँव है। और ये पहाड़ देखो भाई दोस्तों, हमारे यहाँ दोस्तों खड़े से पहाड़ होते हैं, यहाँ थोड़ा सोए सोए से पहाड़ है और क्या मस्त सा नजारा है। तो इसीलिए ना दोस्तों यहाँ ऐसी वाइब आ रही है कि बिल्कुल हम पता नहीं कहाँ आ गए, मतलब कितनी दूर आ गए, जबकि हम दोस्तों 100-150 किलोमीटर दूर ही आ रखे हैं, पर तब भी ऐसा लग रहा है कि कितनी दूर आ गए भाई, मतलब कुछ अलग ही वाइब है। और जितने भी दोस्तों मेहमान लोग थे वो भी सारे के सारे अब देखो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों अभी हमारे सारे
ठीक 4:30 बजे पहुंच रहे हैं घर, और अभी ठीक पहुंच गए अपने घर में। बाकी मैंने कहीं पे दोस्तों वीडियो शूट नहीं की, तो इसीलिए नहीं की क्योंकि नॉन स्टॉप चल रहे थे, फिर अगर वीडियो शूट करते करते आते रुक रुक के आते तो फिर ज़्यादा लेट हो जाना था, तो इसलिए शूट नहीं किया। थोड़ा सा बिदिखाल में रुके, बाल वगैरह कटाए, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप आ गए घर। बाकी दोस्तों पिछली वीडियो में ना आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, यानी शादी के ब्लॉग में, कि ऐसी शादी हमने पहली बार ही देखी। तो मैंने ऐसी शादी दोस्तों पहली बार ही देखी कि जहाँ फेरे ही नहीं हुए, फेरे ठीक अगले दिन होंगे यानी आज हुए, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि इतनी दूर गए और ऐसी ऐसी शादी भी देखने को मिली और आप लोगों को भी दिखाया, तो मतलब अच्छा लगा कि इतनी दूर गए और कुछ ऐसे ऐसे रीति रिवाज भी होते हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग चीज़ें होती है। ये हमारे पहाड़ में तो ऐसे होता है दोस्तों, हर किलोमीटर पे भी भाषा चेंज हो जाती है, तो रीति रिवाज तो कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े बहुत चेंज होंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि इतने दूर गए, इतने दूर घूम के आए और ऐसी शादी देगी, ऐसे रीति रिवाजों की शादी देगी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि उस साइड ही ऐसा नहीं होता, तो जहाँ हम गए थे यानी दूल्हे की तरफ से, तो दूल्हे की तरफ तो दोस्तों अगर किसी मतलब दूल्हे के गांव किसी लड़की की शादी हो तो वहाँ तो फेरे वगैरह होते हैं, उसी दिन हो जाते हैं, बट जहाँ हम गए थे यानी दुल्हन को लेने के लिए यानी अपनी भाभी जी को लेने के लिए, तो भाभी जी के गाँव नहीं हुए, तो ये सीन था। बाकी यहाँ देखो दोस्तों आज तो हमें बेड पर ही चाय मिल गई और बिस्किट के साथ, और बिस्किट भी देखो कितने बढ़िया से सजा रखे हैं, और शीतल लेके आई भाई, तो पहली बार इसने इतनी इज्जत कर दी क्योंकि सौरभ भाई है ना, तो इसलिए इज्जत कर दी इसने, नहीं तो दादा नमस्ते भी नहीं बोलना उसने। हाँ तो बाकी बॉल जीते ले दादा दिया मैं बॉल चार बॉल। चलो भाई दोस्तों अभी ठीक रात के 9 बज गए हैं और अब जाके उठा, उस टाइम से मैं सो गया था क्योंकि भाई 2-3 दिन से ना बिल्कुल नींद पूरी नहीं है, तभी जाके मेरे को सीधा नींद आ गई और मैं सो भी गया था। बाकी अभी मम्मी ने उठाया खाना खाने के लिए, तो अभी खाना खाने ही जा रहा हूँ। यहाँ देखो भाई दोस्तों मेरी माँ को, लोगों के पास शॉल होता है वो शॉल लिपटाते हैं इस टाइम ठंड से बचने के लिए, और मेरी माँ ने टॉवल लिपटा रखा है। देखो तो शॉल नहीं है आपके पास, तौले क्या लिपटा रखा है आपने, बिल्कुल नीच ये देखो शॉल तो धरा भीतर कौन मेरा कद का शॉल लिया जी, तुम्हारा तो खुद लिया जी। मेरी माँ बोल रही है बल मेरे पास है ही नहीं बल, तो ऊपर क्या रखे हुए तुमने, क्या रखे वो बक्सा भर रखा है, बीच के लिए रख रखी हो कि एक का और हो जाए है। अच्छा अच्छा तो बल अभी तौलिया है बल, तो सॉल क्यों निकालो बल, वो पैक है तो बल उनको पैक ही रहने दो बल। यहाँ देखो भाई दोस्तों हमारे पहाड़ी किचन में भी बढ़िया से कोहरा लगा हुआ है और पहाड़ी किचन का सूरज भी एकदम बढ़िया से चमक रहा है, बट कोहरे के चक्कर में इसकी रोशनी थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है, और आजकल इसकी ना बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। चलो भाई दोस्तों अपना खाना भी हो गया है एकदम बढ़िया करके, और अब लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।